मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार आप लोग, क्या माहौल है यहाँ का, मुद्दा क्या है, स्थानीय मुद्दा? उस मुद्दा नहीं, हम लोग हिंदुत्व के नाम पर मोदी को वोट करेंगे बस, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी हिंदुत्व के नाम पर, नाम पर हिंदुत्व के नाम पर। क्यों आखिर ऐसा क्यों, हिंदुत्व के नाम पर क्यों? लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीजों के नाम पर, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर सारा चीज ठीक है, सारा चीज किया है, लेकिन यही मोदी है जो हिंदुत्व को बचा कर अभी तक रखे हुआ है। हिंदुत्व खत्म कब हुआ था? खत्म के कगार पर है। माहौल है यहाँ का, चुनावी माहौल बहुत अच्छा माहौल है संभवी के पक्ष में। संभवी जी के पक्ष में क्यों, संभवी जी के पक्ष में क्यों है? इसलिए कि वो शिक्षित है, युवा युवी है और महिला के ओर से आई हुई है, इसलिए उसके काम पर लोग का भरोसा। हम लोग संभवी जी के सपोर्ट में है। यहाँ का जो प्रत्याशी है प्रतिद्वंदी सन्नी हजारी जी, वो हमारे प्रखंड प्रमुख रहे हैं 3 साल, और 3 साल में 6 करोड़ रुपये का घोटाला किए हैं खानपुर ब्लॉक में, कई योजना पर पैसा उठा लिए हैं, बार्गेनिंग किए हैं, जिससे यहाँ के जनता कोई खुश नहीं है, उनके बात व्यवस्था से खुश नहीं है, और वो करीब 2 लाख वोट से चुनाव हारेंगे और संभवी चौधरी 2 लाख प्लस वोट से चुनाव जीतेगी। चुनावी दौरे में इस वक्त हम समस्तीपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक चिराग पासवान का जनसभा होने वाला है। कुछ ही क्षणों में जो है चिराग पासवान यहाँ पर पधारेंगे, आएंगे, तब तक यहाँ पर कुछ लोग थे, हम सोचा कि उनसे कुछ बातचीत करी जाए कि क्या माहौल है यहाँ का, क्या लोग चाह रहे हैं। क्या नाम है सर? शंभू प्रसाद चौधरी। कहाँ से हैं? शादीपुर पंचायत से। क्या माहौल है यहाँ का, चुनावी माहौल? बहुत अच्छा माहौल है संभवी के पक्ष में। संभवी जी के पक्ष में क्यों, संभवी जी के पक्ष में क्यों है? इसलिए कि वो शिक्षित है, युवा युवी है और महिला के ओर से आई हुई है, इसलिए उसके काम पर लोग का भरोसा है। इधर वो महेश्वर जी का लड़का हुए, जिन्होंने स्वयं पद के लिए इसी विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद से चुनाव हारे हैं, जिला में नगर निगम का चुनाव हारे हैं, और वो वार्ड मेंबर का भी चुनाव अपने भाई को भतीजा को बेटा से लड़ाते हैं पंचायत समिति का चुनाव। वो भाई जब प्रमुख होने लगा तब विरोध किए, वो जब परिवार के नहीं होंगे तो संसार के कैसे होंगे, इसलिए उनके पक्ष में लोग नया उनको जांचता है, चिंता है। जो अपने परिवार के कोई भाई उनके साथ घूमता हो तो परिवार का कोई सदस्य नहीं, कोई सदस्य नहीं, और उनका जो पंचायत है वहाँ अगर 10% वोट उनको हो जाएगा तो आप लोग मीडिया वाले हैं देख लीजिएगा बाद में, पंचायत में भी उनके वोट, पंचायत में भी उनका वोट नहीं है। ये जो थोड़ा भी बहुत वोट मिल रहा है लालू जी का समीकरण का थोड़ा बहुत असर उनके साथ है, बस थोड़ा, बाकी उनके करेक्टर और चेहरा पर कुछ नहीं। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मनोज कुमार कुशवाहा। कहाँ आए हैं देख रहे एकदम? हम लोग संभावी जी के सपोर्ट में है। यहाँ का जो प्रत्याशी है प्रतिद्वंदी सन्नी हजारी जी, वो हमारे प्रखंड प्रमुख रहे हैं 3 साल, और 3 साल में 6 करोड़ रुपये का घोटाला किए हैं खानपुर ब्लॉक में, कई योजना पर पैसा उठा लिए हैं, बार्गेनिंग किए हैं, जिससे यहाँ के जनता कोई खुश नहीं है, उनके बात व्यवस्था से खुश नहीं है, और वो करीब 2 लाख वोट से चुनाव हारेंगे और संभवी चौधरी 2 लाख प्लस वोट से चुनाव जीतेगी। इसलिए उनके उनका जो अपना घर है जहाँ गाहर जहाँ पंचायत है वहाँ से भी चुनाव बहुत ज़्यादा वोटों से संभवी लीड कर रही है और सन्नी जी हारेंगे, उनकी बात व्यवस्था से यहाँ के जनता कोई खुश नहीं है, वो खानपुर ब्लॉक को लूट करके बर्बाद कर दिए 3 साल में अपने हिसाब से। चलिए और भी कुछ लोग जानते हैं। क्या नाम है चाचा? धर्मेंद्र कुमार। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार आप लोग, क्या माहौल है यहाँ का, मुद्दा क्या है, स्थानीय मुद्दा? उस मुद्दा नहीं, हम लोग हिंदुत्व के नाम पर मोदी को वोट करेंगे बस, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी हिंदुत्व के नाम पर, नाम पर हिंदुत्व के नाम पर। क्यों आखिर ऐसा क्यों, हिंदुत्व के नाम पर क्यों? लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीजों के नाम पर, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर सारा चीज ठीक है, सारा चीज किया है, लेकिन यही मोदी है जो हिंदुत्व को बचा कर अभी तक रखे हुआ है। हिंदुत्व खत्म कब हुआ था? खत्म के कगार पर है। कैसे खत्म के कगार पर? कैसे नहीं है, कैसे है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, तमाम चीज हिंदू, 100 करोड़ से ज्यादा एमवाई समीकरण के मतलब है, जिस देखिए आरक्षण कराए दे देंगे, इसे कर देंगे, उसे कर देंगे। एमवाई समीकरण क्या? एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव का जो था उससे हिंदुत्व को खतरा था। खतरा है,
मतलब जो लालू प्रसाद यादव जी का एम हुआ है राम मंदिर था, राम मंदिर में देखे विरोध किया कोई गया? कौन विरोध किए? कोई कांग्रेसी नहीं गए, कोई आरजेडी के लोग नहीं गए, सबको न्योता दिया हुआ था, नहीं गए। इसका मतलब तो नहीं गए तो वो तो उसकी अपनी मर्जी है, वो नहीं गए, उससे क्या दिक्कत है? इससे हिंदू क्या खतरे में पड़ जाएगा? अगर लालू यादव नहीं जाएंगे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में, राहुल गांधी नहीं जाएंगे, तो इससे इससे क्या हिंदू तो खतरे में पड़ जाएगा या हिंदू तो खत्म हो जाएगा? निमंत्रण के बाद भी नहीं गए, इस बात से हम लोगों को दुख है। इस बात से आप लोगों को दुख है? और इस बार हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी को वोट कर रहे हैं? 400 पार जाएंगे। 400 पार? लोग कह रहे हैं कि 400 पार की क्या जरूरत है, क्योंकि देश में विकास करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए 280 सीट ज्यादा अधिक है, बहुत है, तो फिर 400 की क्या जरूरत पड़ गई है? कह रहे हैं कि संविधान बदल दीजिएगा आप लोग, संविधान बदलना है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों? संविधान कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं बदलेगा, संविधान नहीं बदल सकता है कोई नहीं, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान। फिर 400 की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे हिंदुत्व को बचाने के लिए, बचाने के लिए 400 पार हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 400 पार चाहिए? चाहिए। तो फिर संविधान तो खत्म ना हो जाएगा जी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाना है फिर संविधान में है ना? ऐसा क्या अब उतना तो हम नहीं जानते हैं संविधान में क्या है, मतलब जैसे पाकिस्तान मुस्लिम देश हो गया, ईरान इराक मुस्लिम देश हो गया, यहाँ 80% लोग हिंदुस्तान में थे, तो ये तो लोकतांत्रिक देश है ना, एक भारत तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलेगा ना ये देश? संविधान से ही चलेगा। फिर कह रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र हम लोग मांग कर रहे हैं उनसे। अच्छा, आप लोग मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू को यहाँ फुल क्या मेजोरिटी सत्ता फुल अथी में बहुमत में होना चाहिए। तो अभी भी तो हिंदू फुल मेजोरिटी में है यहाँ? मेजोरिटी में है लेकिन कुछ कम है। कम कैसे है? 80% हिंदुओं की आबादी है भारत में। 80% आबादी है, वही ना हिंदू बट जाता है, इसलिए ना आबादी कैसे बट जाता है? बटिए ना गया, देखिए कैसे बटा भाई, पूछ रहे बताइए कैसे बटा? उसमें बस दो गो है माई समीकरण बट लेना है, मतलब दो गो जो माई समीकरण है। यादव जी, यादव भी जी तो हिंदू है ना जी? हिंदू है, यादव भाजपा में नहीं है? यादव भी जी भाजपा में भी बहुत सारे मानते मानते नहीं उसको। क्या मानते नहीं है? 2-5% के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सब जात में 5% 10% इधर उधर तो है। बात तो मतलब आपको 400 पार चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, आप मांग करते हैं। क्या करते हैं आप सर, काम क्या करते हैं आप? काम खेती बाड़ी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं आपके? पढ़ता लिखता है। पढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? आखिर क्या परिवर्तन होगा अभी जो है और हिंदू राष्ट्र आने में क्या बदलाव? उतना हमको समझ में नहीं है लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए, यही बात। उतना समझ में नहीं है लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए,